नमस्कार, मैं सविता शर्मा, सविता झटपट कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज अपन बनाते हैं फ्राइड इडली। फ्राइड इडली बनाने के लिए सबसे पहले मैं इडली को छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। इसके एक इडली के 6 या फिर 9 पीसेस, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से सारी इडलियों के पीसेस कर लेंगे। अब एक पैन में घी गर्म करूँगी। घी गर्म होने के बाद में मैं इडली के सारे पीसेस जो मैंने किए थे छोटे छोटे, उस पर सारे पीसेस इसमें डाल करके और इनको फ्राई कर लूँगी। शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई में इनको नहीं करूँगी। ये मैंने रवा इडली बनाई है, इसलिए इनको बड़े हल्के हल्के हाथ से उल्टा पलटी करूँगी इनकी, वरना तो ये टूट जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी हुई है। धीरे धीरे से चलाते हुए इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए सिक रही है, ये दोनों तरफ से सिक गई अच्छे से। देखिए दोनों तरफ से ये सिक के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स होता है ये। अब मैं दूसरे पैन के अंदर घी गरम करूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा राई, मस्टर्ड सीड्स। राई चटक जाएगी तो इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून के आसपास अदरक का पेस्ट डाला है। अब ये भुन जाएगा, इसमें मैं डालूँगी करी लीव्स, मीठा नीम। मीठे नीम की पत्तियाँ डाल दी मैंने 10-12। इसे थोड़ी देर चलाऊँगी। जब ये मीठे नीम की पत्तियाँ ये भुन जाएगी तो इसमें डालूँगी मैं लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। मैंने हरी मिर्ची को 2-3 हरी मिर्च ली है, इसको लंबाई में काटा। ये थोड़ा सा इनको भी रोस्ट करूँगी। इसके बाद डाला मैंने प्याज। प्याज आप देखिए मैंने लेयर्स में काटे हैं, प्याज की मैंने परतें उतारी है। एक एक परत मैंने करी है प्याज की। प्याज को मैं थोड़ा सा ही भुनूँगी, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। हल्का हल्का प्याज भुनने के बाद में मैं इसके अंदर डाल देती हूँ नमक, और नमक को मिक्स करूँगी। थोड़ी थोड़ी देर में इनको चलाती रहूँगी। जब नमक मिक्स हो गया, इसके अंदर डाला मैंने टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस 2 टेबल स्पून के आसपास मैं मिला दूँगी इसमें टोमेटो केचप। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। इनके अच्छे से मिला लिया। अब इसमें डालूँगी इसके अंदर रेड चिली सॉस। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दो, जितना आपको तीखा पसंद हो ज़्यादा डाल दो, नहीं कम डालो। रेड चिली सॉस मिला दिया, ये अच्छे से मिक्स हो गया इसके अंदर। इन सब्जियों को मैंने देखिए अब क्रंची ही रखा है, ज़्यादा इनको पकाया नहीं है, गलाया नहीं है। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी। जो पानी में का एक ही बॉयल लूँगी, एक उबाल आ जाएगा पानी में, इनको ज़्यादा उबालूँगी भी नहीं। एक उबाल आने के बाद में 3 चम्मच पानी के अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिला करके इसके अंदर डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर चलाती रहूँगी जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए। इसमें मिला दूँगी 1/2 टीस्पून के आसपास काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च के पाउडर से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सांभर मसाला और थोड़ा सा डाल दूँगी गरम मसाला। मैं 1-2 मिनट तक और इनको उबालूँगी। अब देखिए ये गाढ़ा बन गया इसकी ग्रेवी। अब दिखाती हूँ आपको, ये गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर मैं फ्राइड इडली, जो मैं इडली फ्राई करी हुई थी, वो डाल के अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग इनको ज़रूर बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी बनती है, पसंद आती है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी और सुंदर और टेस्टी इडली बन के तैयार हुई है। अब इसको मैं एक बॉल में निकाल कर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। इसको अब मैं हरे धनिए से गार्निश कर दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा से हरे प्याज भी इस पर डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।